एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत हर दिन की तरह हुई थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। रही है, अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे, उनके मुंह से सिर्फ यही निकला कि आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लेकर आए। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगू तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत न। दोस्तों, एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल में धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है, जी हाँ, इसीलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम आपको ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं, तो आपको बता दें कि अब आने वाली फिल्म RRRR में इस कहानी को इस्तेमाल किया जाएगा, और वो कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में बताएं, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।